Start a Spring Framework. So we have a first question is, what is the Spring Framework? What is the Spring Framework? Right. So सबसे पहला question क्या है हमारे लिए? What is the Spring Framework is here? We can say Spring is an open source framework of Java, and which is used for develop any kind of application in Java. Basically Spring क्या है? Spring एक open source framework है Java के अंदर, जो किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आता है. मतलब देखिए कैसे होता है कि स्प्रिंग के जरिए आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आप स्प्रिंग के जरिए बना सकते हैं. यस और नॉट? इट इज वेरी पॉपुलर, इट इज वेरी पावरफुल, ऐसे भी कह सकते हैं, पावरफुल एंड लाइट वेटेड फ्रेमवर्क ऑफ जावा. ये बहुत ही लाइट वेटेड फ्रेमवर्क है जावा का. क्लियर? मतलब देखिए स्प्रिंग का मतलब भी क्या है? स्प्रिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होता है, हम उसे स्प्रिंग कहते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? यस और नॉट? तो देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू यूज अ फ्रेम, व्हाई वी नीड टू यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और व्हाई यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, व्हाई यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क. आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज क्यों करेंगे, या आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करने की जरूरत क्या है? व्हाई यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज हियर, और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क? व्हाई यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज हियर? राइट? मतलब जैसे कि स्प्रिंग ओपन सोर्स है, राइट, और ये किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बना सकता है, मानते हैं. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज क्यों करेंगे, राइट? कि आपको फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट्स. व्हाट इज दिस? स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज है ना, कि जो हमारे कोड को रिड्यूस करती है. जैसे अगर आप JDBC यूज करते हैं तो उसके अंदर पूरे प्रीडिफाइंड क्लासेस है, आपको जस्ट सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते हैं. इज इट क्लियर? जैसे कि अगर आप फाइल अपलोडिंग करना चाहते हैं तो भी आपके पास प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज है, राइट? सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट टू अस. उसके बाद में सेकेंड है, प्रोवाइड द लूज कपलिंग, राइट? प्रोवाइड द लूज कपलिंग, राइट? ये एक बेनिफिट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का. क्योंकि आप देखिए, जब मैंने आपको कोर जावा पढ़ाया था तब मैंने आपको इनहेरिटेंस के अंदर लूज कपलिंग क्या है ये पढ़ाया था. इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज. राइट, देन थर्ड क्या है? थर्ड, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड और स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैनेज dependency injection and IOC automatically. Spring framework manage the dependency injection and IOC automatically. फिर सवाल आता है, what is the meaning of dependency injection and what is the meaning of IOC? IOC का मतलब होता है inversion of a control, right? अभी dependency injection क्या होती है? जैसे हमने ये देखा है कोर जावा के अंदर बहुत बार, but मैं अभी आज एक बार फिर से repeat करता हूँ. Dependency injection का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इफ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफाइड पैरामीटर कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और इफ वन क्लास इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लास कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन.
मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए डिपेंड रहता है, या कोई फंक्शन जब किसी या कोई क्लास जब किसी दूसरे क्लास के लिए डिपेंडेंट रहता है, तो हम उसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, क्लियर? क्लास प्लेयर, और यहां पे हमारे पास ऐसे ये है, क्या है, सेटर गेटर है, ये आपने ऐसे देखा, बस दो ही फील्ड लेते हैं, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम। अब देखिए दूसरा एक क्लास है अभी आपके पास, क्लास टीम नाम का क्लास है। फिर आपने यहां पे ऐसे लिखा पब्लिक वाइड एंड न्यू प्लेयर, और यहां पे आपने प्लेयर का इंस्टेंस पास किया है, यहां पे आपने प्लेयर का इंस्टेंस पास किया है। अगर आप यहां पे ऐसे लिखेंगे प्लेयर ऑफ प्लेयर, एंड इफ राइट हियर दिस डॉट प्लेयर इक्वल टू प्लेयर, देखिए इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये जो है ना, इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फिर इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप है, हम देखते हैं आगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन राइट, या फिर आप इसे स्टैंडर्ड अगर हम देखते हैं तो आप इसे ऐड न्यू प्लेयर की जगह पे, अगर आप यहां पे ऐसा नाम देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, वो सेट प्लेयर, ठीक है, सेट प्लेयर। राइट, ये हो गया आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज हियर, दिस इज योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो टीम क्लास है, ये टीम क्लास डिपेंडेंट है प्लेयर क्लास के ऊपर। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे कि यहां पे हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं टीम क्लास डिपेंडेंट ऑन प्लेयर क्लास, ध्यान रखिए टीम क्लास इज ए डिपेंडेंट ऑन अ प्लेयर क्लास। मतलब क्या हो गया, अगर आप यहां पे देखते हैं, फिर राइट हियर टीम ऑफ टी इक्वल टू न्यू ऑफ टी। अभी हमने बनाया है टीम का ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां पे लिखू टी डॉट सेट प्लेयर, तो क्या हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्या? क्योंकि सेट प्लेयर के अंदर डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेट प्लेयर के अंदर किसका रेफरेंस आया है, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, यस, सेट प्लेयर के अंदर प्लेयर का रेफरेंस आया है, मतलब ये फंक्शन दिस फंक्शन इज डिपेंड ऑन प्लेयर रेफरेंस, मीन्स we cannot call this function yes or not without player reference। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब जब team use होगा तो player भी use होगा, इसका मतलब यही हो गया। तो आपको यहाँ पे इसका compulsory object बनाना ही पड़ता है। फिर आप लिखेंगे p1.setid of a1, p1.setName of Ram, और यहाँ पे आपने p1 pass किया है, तो ये जो हो गया है हमने इसे टेक्निकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहा। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट प्लीज बताइए। ये जो है इसे हमने टेक्निकली क्या कहा है? इसे हमने टेक्निकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जब आपने प्लेयर टीम का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपलसरी आपको प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा या नहीं पड़ा? बट अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज करेंगे तो आप अगर टीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाता है। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
राइट right. मतलब जब कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो टेक्निकली उसे क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज हियर. इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज. डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैनेज करने का काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क करेगा. जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि हाउ वी कैन मैनेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क. और आईओसी का मतलब क्या है, इन्वर्जन ऑफ ए कंट्रोल. तो बेसिकली आईओसी क्या है प्रैक्टिकली बताता हूँ. इन्वर्जन ऑफ ए कंट्रोल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाने की टेक्निक. ऑब्जेक्ट बनाने की जो टेक्निक होती है हम उसे टेक्निकली आईओसी कहते हैं, बट हम बाद में देख लेंगे उसे. राइट ये एक उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है. फिर ऐसे कहते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ वेरी इजी फॉर टेस्टिंग. मतलब इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जैसे कि टेस्ट एनजी है, जे यूनिट है. इसका जो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें टेस्टिंग के लिए काफी आसानी होती है. राइट उसके बाद में और एक है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क. ऐसे देखिए स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क इज अ वेल डिजाइन या MVC फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड ग्रेट अल्टरनेटिव to another web framework like as struts etc. या JSP है. मतलब स्प्रिंग का जो MVC framework है ये काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है. जैसे प्रीवियसली अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनाने हैं तो हम स्ट्रट्स यूज करते थे स्ट्रट्स, बट स्प्रिंग MVC उससे बहुत बेटर फ्रेमवर्क माना जाता है. क्लियर. उसके बाद में और एक बेनिफिट है स्प्रिंग का, स्प्रिंग प्रोवाइड द नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क टू अस एंड प्रोवाइड द ह्यूज लाइब्रेरी वर्क विथ अदर टेक्नोलॉजीज इन इंटीग्रेशन. उसके बाद स्प्रिंग प्रोवाइड ह्यूज सपोर्ट टू द रेस्ट वेब सर्विसेस और वेब सर्विसेस आल्सो. मीन दिस आर द सम मेजर बेनिफिट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स प्लीज. हेलो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. दीज आर द सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क. स्प्रिंग प्रोवाइड द सम डिफरेंट मॉडल टू अस टू वर्क विथ. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज Spring Core, then Spring JDBC, Spring ORM, Spring MVC, Spring AOP. These are the some major model of Spring Core applications. ऐसे बहुत सारे, but इतने तो कम से कम आने ही चाहिए. That is very very simple. तो सबसे पहले कौन सा Spring Core model? What is this? Using this model, we can develop the console-based application. ये जो मॉडल है इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? Using this model, we can develop the console-based application. जैसे कि जितने हमने कोर जावा के अंदर बनाए हैं प्रोग्राम्स, ये पूरे हम स्प्रिंग कोर के जरिए करते हैं. मतलब इन शॉर्ट बताऊं, पूरा का पूरा कोर जावा ही हम स्प्रिंग कोर के जरिए रिवाइज करते हैं. स्प्रिंग जेडीबीसी यूजिंग दिस फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप द डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग अ स्प्रिंग जेडीबीसी यूजिंग अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क. यूजिंग दिस फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप द डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क. स्प्रिंग ORM using this framework we can connect application with a database using a ORM concept and using this model we can develop web applications.
Using this model, we can develop the web application. Yes, sir. We can develop the web application using a Spring framework. And Spring EOP क्या होता है? Right. EOP is a EOP language is useful tool which allows developer to add the enterprise functionality to the applications using a Spring. ये बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये कुछ मॉड्यूल है स्प्रिंग के कि जिसके जरिए आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ काम कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स प्लीज.